हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीटेट के एग्जाम में आप 60 मार्क्स फ्री में कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे आपको 60 मार्क्स मिलेगा, वो भी बहुत आसानी से। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि कितनी बेवकूफी वाली बात है ये। बेवकूफी वाली बात नहीं है, अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिना किसी मेहनत के और बिना किसी हार्डवर्क के आपको सीटेट के एग्जाम में मिलेगा 60 मार्क्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट के एग्जाम में जो पार्ट फोर वाला ऑप्शन होता है, जो पार्ट होता है, उसमें एक लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू के दो पेपर होते हैं, है ना। तो लैंग्वेज वन जिसने हिंदी सेलेक्ट किया है वो हिंदी सॉल्व करता है, लैंग्वेज टू जिसने इंग्लिश सिलेक्ट किया है पर इंग्लिश सॉल्व करता है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी जो है वो आता है 30 मार्क्स का, और जो इंग्लिश है वो भी आपका आता है 30 मार्क्स का। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं 30-30 मार्क्स के, दोनों का मिलाकर ये हो जाता है आपका 60। कितना हो जाता है? 60 मार्क्स। अब यही 60 मार्क्स आपको फ्री के मिलेंगे, कैसे देखिए। तो यहाँ पर 15 मार्क्स का आपका आता है पैराग्राफ, ठीक है, और 15 मार्क्स का आता है यहाँ पर पेडागोजी, ठीक है। पैराग्राफ आता है और पेडागोजी आता है। पेडागोजी में ही 2-3 मार्क्स आपके होते हैं ग्रामर के, ठीक है। 2-3 मार्क्स किसके होते हैं? ये ग्रामर के होते हैं। तो ग्रामर अगर हम छोड़ देंगे, क्योंकि ग्रामर में क्या आ जाएगा, क्रिया आएगा कि विशेषण आएगा कि संज्ञा आएगा कि उपसर्ग प्रत्यय क्या आएगा, वो हमें नहीं पता। और ग्रामर का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है, तो उसमें हम 2-3 मार्क्स के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये 2-3 मार्क्स हम छोड़ देंगे, बाकी के हम 47 टोटल हम लोग 57 नंबर पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे दोनों में 15-15 मार्क्स का क्या आएगा? पैराग्राफ, और 15 मार्क्स का आएगा पेडागोजी, ठीक है। तो पैराग्राफ तो हम लोग बचपन से सॉल्व कर रहे हैं ना, गद्यांश और पद्यांश बचपन से ही सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्या होता है? पैराग्राफ दिया होता है, और पैराग्राफ के बेस नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। पैराग्राफ को बहुत ही शांति से पढ़ना है और पेपर को सॉल्व करना है। तो इसमें आपको ये जो दो पेपर है आपके, उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों को सीडीपी में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, एसएस में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट में अच्छा कमांड कर लोगे ना, तो ये दोनों में आपको इतने मतलब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें सिर्फ क्या करना है? PYQ सॉल्व करना है। अगर आपको ये 60 मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? PYQ सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक राजा था उसकी दो रानियां थी, ऐसा तो आएगा नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी तो होता ही है, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आप PYQ 4-5 PYQ या 10 PYQ अगर आप सॉल्व करते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पैराग्राफ आता है, और पैराग्राफ के बेसिस पे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज और, अगर पैराग्राफ में दिन को रात बताया गया है कि रात में सारे पंछी जग जाते हैं, तो क्वेश्चन में अगर दिन भी दिया है तो भी आपको रात में ही टिक लगाना है, क्योंकि हमको आंसर पैराग्राफ के बेसिस पे ही फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो सीडेट के एग्जाम में आपको डेफिनेटली 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गई है, ठीक है। इसके बाद पैडागोजी जो है, तो जो पैडागोजी कोई क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे को मद्देनजर रखकर ही पूछा जाता है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो उसमें किस चीज की कमी है, ठीक है। अगर बच्चा हिंदी नहीं बोल पा रहा है तो आप कौन सी तकनीक को अपनाओगे? अगर बच्चा होमवर्क करके नहीं आता है तो आप उसको किस प्रकार से समझाओगे? डांट कर, मार कर, ठीक है। तो ये जो 15 मार्क्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इजी होते हैं, सिर्फ बच्चे को मद्देनजर रखकर ही आपको आंसर टिक लगाने होते हैं। तो ये जो 15 मार्क्स हिंदी का पैराग्राफ का और 15 मार्क्स पैडागोजी का, सेम ऐसा ही इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। जो लैंग्वेज वन हिंदी से लेकर करते हैं उनका इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर होता है ना, बहुत सबका कमजोर नहीं होता पर कुछ लोगों का होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम को होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, और उसको सॉल्व अगर करेंगे अच्छे ढंग से, तो आपको बिना किसी मेहनत के, बिना कोई व्याकरण, बिना कोई बड़ी बड़ी पोथी पढ़ने से, बिना किसी हार्डवर्क के आपको ये 60 मार्क्स मिल जाएगा। पर हम लोग चलो मानते हैं कि पूरा का पूरा 60 तो सही होगा नहीं, तो अगर हम इसमें से 10 भी माइनस कर लेते हैं तो भी आपका 50 मार्क्स कहीं नहीं गया,
है ना। तो अगर बिना पढ़े 50 भी मिल रहा है तो बहुत बात है। एसएस में आप बिना पढ़े 50 मार्क्स लेके आ सकते होगा? कभी नहीं लेके आ सकते। पूरा 6 7 8 की पूरी ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स इसे घोल के पीनी पड़ती है तो भी 50 मार्क्स नहीं आ पाता, है ना। तो ये बात है यहाँ पर कि हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा सा आप फोकस करोगे ना, सिर्फ थोड़ा सा अगर PYQ आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गया। तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूजफुल भी लगा होगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा एवरीवन, बाय, टेक केयर।